हेलो 42, अभिवादन आपका। गर्भावस्था के देखभाल से हमारा तात्पर्य गर्भावस्था के दौरान बरते जाने वाली सावधानियों से है। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान ही सबसे अधिक देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि माँ व अजन्मा बच्चा दोनों की हेल्थ अच्छी रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय की 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्भवती महिलाओं की संख्या का लगभग 17% महिलाओं की बच्चा पैदा करने के दौरान मृत्यु हो जाती है। इनमें अधिकतर वे महिलाएं होती हैं जिन्होंने गर्भावस्था के दौरान सामान्य सावधानियों की अनदेखी की। और इस वीडियो से आज आप जानेंगे गर्भावस्था के दौरान कैसे करें माँ और बच्चे की देखभाल, जैसे गर्भावस्था के दौरान कौन सी सामान्य सावधानियां रखें, यात्रा संबंधी कौन सी सावधानियां रखें, माँ का भावनात्मक सहयोग कैसे करें और मूड स्विंग हो तो क्या करें जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से, ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा एक्जिमर के इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। गर्भावस्था के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। इन वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे तो गर्भावस्था के समय देखभाल की सूची बहुत लंबी होती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 4 जरूरी सावधानियों के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए अब बात शुरू करते हैं। पहली सावधानी, गर्भावस्था में सामान्य सावधानियां क्या रखें। तो सबसे पहले बात, गर्भावस्था में शराब व धूम्रपान से दूर रहें। एक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान मदिरा को हाथ नहीं लगाना चाहिए। चाहे किसी कॉकटेल पार्टी में आप गई हों या किसी अन्य आयोजन में, अल्कोहल का अंजन में शिशु और माँ के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, जो कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकता है। इससे गर्भस्थ शिशु फेटल अल्कोहल सिंड्रोम का शिकार हो जाता है, जिससे वह मंदबुद्धि और अनुवांशिक रोगों से पीड़ित हो सकता है। इसके अलावा जन्म के बाद ऐसे बच्चों का होंठ कटा हुआ हो सकता है, उनकी आँखों, दिल, चेहरे के अलावा कई अन्य अंगों में भी दोष हो सकता है। इसके अलावा यदि प्रेग्नेंट लेडी धूम्रपान की आदि हो तो उन्हें इसका तुरंत परित्याग करना होगा, क्योंकि सिगरेट पीने वाली महिलाओं का गर्भपात हो सकता है या प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, जिससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का जन्म हो सकता है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था में आपको रेडिएशन से भी बचना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान माइक्रोवेव ओवन का ज्यादा इस्तेमाल करने पर उससे होने वाले रेडिएशन का असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, उसके विकसित हो रहे दिमाग व अंगों पर इसका खराब प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्रेगनेंसी में माइक्रोवेव के इस्तेमाल से बचना चाहिए। माइक्रोवेव के अलावा मोबाइल के संपर्क में ज्यादा रहने से उससे होने वाला रेडिएशन शरीर, मस्तिष्क और गर्भ को प्रभावित कर सकता है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, उनके बच्चे व्यवहार संबंधी समस्याओं के साथ पैदा होते हैं। यही कारण है रशियन नेशनल कमेटी ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन ने अपनी राय में प्रेगनेंसी में मोबाइल के कम से कम इस्तेमाल की सलाह दी है। डॉक्टरों के अनुसार प्रेगनेंसी में एक्सरे ना कराने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि डॉक्टरों का मानना है कि इसके नुकसान तुरंत पता नहीं चलते, पर गर्भ के माध्यम से इसकी किरणें बच्चे को प्रभावित कर सकती हैं। रेडिएशन के अलावा प्रेगनेंसी में आपको दवाइयों के सेवन में भी सावधानी बरतनी चाहिए। एक प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही दवाओं का उपयोग करना चाहिए। बिना चिकित्सकीय परामर्श के कोई भी दवा भयंकर परिणाम पैदा कर सकती है। यदि किसी कारणवश बुखार आदि जैसी छोटी मोटी समस्याएं आपको होती हैं, तो आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने से पहले उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जरूर बताना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में शरीर का तापमान सामान्य होना जरूरी है, वरना बच्चे के जन्म के समय दोष आ सकते हैं, इसलिए बॉडी टेम्परेचर पर निगाह रखें। यदि प्रेग्नेंट लेडी गर्भावस्था के दौरान सामान्य सी एक्सरसाइज करे, पानी पिए और जूस भी पीती रहे, तो इससे शरीर का तापमान संतुलित रहेगा। इसका ध्यान न रखने पर बॉडी ओवरहीट हो जाती है, जिससे बच्चे को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा घर में मौजूद क्लीनर, थिनर, पेंट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनकी तेज केमिकल गंध से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं। और आइए अब बात करते हैं दूसरी, यानी यात्रा संबंधी सावधानियों के बारे में। यह जरूरी नहीं है कि महिला गर्भ से है तो वह ट्रेवल नहीं कर सकती, पर इन 9 महीनों में बहुत सारे ऐसे मौके आ सकते हैं जब महिला को ना चाहते हुए भी ट्रेवल करना पड़ सकता है। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को ट्रेवल करते वक्त बहुत सारी सावधानियों का पालन करना चाहिए। यदि किसी गर्भवती महिला को व्यावसायिक कारणों से यात्रा करनी पड़ती है, तो वह मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का फायदा लेकर यात्रा के जोखिमों से बच सकती है। गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स भी यात्रा न करने की सलाह देते हैं।
अगर यात्रा करना बहुत जरूरी है तो पहले अपने डॉक्टर से अपनी पूरी चिकित्सकीय जांच अवश्य कराएं और उसके परामर्श के बाद ही यात्रा शुरू करें। यह अवधि पूर्ण होने के बाद ट्रेन या कार से आप यात्रा कर सकती हैं। सबसे आरामदायक ट्रेन का सफर होता है क्योंकि उसमें उठने बैठने और चलने की सुविधा रहती है। कार में सीट बेल्ट लगाकर बैठें। इसके अलावा प्लेन में यात्रा करते समय खूब पानी पिएं। शरीर में पानी की कमी हो सकती है, शरीर को स्ट्रेच करती रहें और किसी सफर में जाने से पहले डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था में तीसरी सावधानी होती है भावनात्मक सहयोग की। एक गर्भवती महिला अपने आने वाले बच्चे के प्रति लाखों करोड़ों अवधारणाएं या भावनाएं अपने मन में समाये हुए उसके प्रति सपने बुनने लगती है। यही कारण है कि महिला में भावनात्मक रूप से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिससे निपटने के लिए महिला को इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए परिवार के लोगों और खासकर पति को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी दोनों प्रेगनेंसी के बाद काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास साथ जाएं। जब दोनों साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो सारी बातें एक साथ जान पाते हैं, जिससे दोनों को मिलकर बच्चे के आने की तैयारी करने में आसानी होती है और डिलीवरी से संबंधित मुश्किल फैसले आप आसानी से ले पाते हैं। पति की मौजूदगी पत्नी को बल देती है। पति के साथ होने पर यदि पत्नी कुछ पूछना भूल भी जाती है तो पति याद दिला देते हैं। डॉक्टर से आप जो पूछना चाहती हैं डायरी में लिख लें, ताकि आशंकाओं का समाधान हो जाए। इसके अलावा आपको अच्छी नींद का ख्याल रखना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान अच्छी नींद बहुत जरूरी है। भ्रूण के विकास के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समय बढ़ने के साथ थकान बढ़ती है। प्रेगनेंसी के दौरान नींद ना आना या रेस्टलेस होना आम बात है। कई बार खूब नींद भी आती है तो कई बार टूट टूट कर नींद आती है। अच्छी नींद मेंटेन करने के लिए सोडा, कॉफी और चाय जैसे कैफीन युक्त पेय पदार्थों से दूरी बनाकर रखें। सुबह सुबह या दोपहर में चाय कॉफी ना ही ले तो बेहतर होगा। अपने सोने जागने का टाइम निश्चित करें। वक्त से उठें और वक्त से सोएं और हल्के गर्म पानी से आप स्नान करें। आप ग्रीन टी या हर्बल टी पी सकती हैं। आहार में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा रखें। इससे आराम से नींद आने के साथ पैरों में क्रैम की शिकायत भी नहीं रहेगी। यदि आप परेशान हैं और बहुत थकान महसूस कर रही हैं और नींद आना मुश्किल है, ऐसे में अपने दिमाग को शांत करने के लिए आरामदायक योगासन करें। जब नींद ना आ रही हो तो सीधी लेट जाएं, अपने पैरों को स्ट्रेच करें। इससे प्रेगनेंसी के दौरान लचीलापन बना रहता है। व्यायाम व योग किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करें। अपने पैरों हाथों की मसाज हल्के हाथ से कराएं। इसके बाद चौथी और अंतिम बड़ी समस्या प्रेगनेंसी में होती है मूड स्विंग की। और अगर आपको भी मूड स्विंग हो रहा है तो क्या करें, आइए अब ये जानते हैं। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला का मूड तेजी से बदलता है। वह कभी बहुत खुश हो जाती है और कभी चिड़चिड़ी हो जाती है। इसी तरह के कई अन्य शारीरिक और भावनात्मक बदलाव शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के अति सक्रिय होने की वजह से तेजी से होते हैं। कई महिलाएं छठवें से दसवें हफ्ते तक मूड स्विंग से बाहर आ जाती हैं, लेकिन कई बार बच्चा पैदा होने के कुछ समय पहले मूड में तेजी से बदलाव आता है। मूड स्विंग के साथ थकान, मिचली, छाती में जलन और पाचन में भी परिवर्तन आ जाता है। प्रेगनेंसी प्लानिंग के बाद जहां नन्हे मेहमान आने की खुशी होती है, वहीं आने वाली जिम्मेदारियों की चिंता, आजादी खोने का एहसास मन को बेचैन भी करता है। सबसे जरूरी है कि आप स्वयं को अपने मूड स्विंग के बहाव में न बहने दें। अपने आप को रिलैक्स रखें। रिलैक्स देने वाली मसाज करवाएं। मनपसंद हेयर स्टाइल बनाएं। दोस्तों से बातें करें। दोस्तों के साथ पिक्चर देखें। अच्छी किताबें पढ़ें और संगीत का आनंद लें। और आप चाहें तो प्रेगनेंसी से जुड़े हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मूड में उथल पुथल महसूस होने पर आप सावर लें, इससे आप रिलैक्स महसूस करेंगी। मूड स्विंग को काबू करने के लिए आप अच्छी तरह खाएं, पूरी नींद लें, हर समय लेटी ना रहें, चलें फिरें, कुछ काम करें, रूटीन तोड़ें, रोज व्यायाम करें, पति के साथ चिंताएं शेयर करें, उनके साथ वक्त गुजारें और आप मूड स्विंग से बचने के लिए ध्यान भी कर सकती हैं। तो ये थी ऐसी चार महत्वपूर्ण सावधानियां जिनको आपको गर्भावस्था के दौरान अवश्य पालन करना चाहिए। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। उम्मीद है कि आपको स्वस्थ बनाए रखने का हमारा प्रयास सफल साबित होगा। इस वीडियो से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।